गाइस वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी हैशटैग मयंक सर। और जैसे मैंने आप लोग को बोला था कि इस पूरे मंथ हम लोग क्लास 12 के ऊपर काम करेंगे, तो ये एक आईएससी का स्टोरी आ रहा है, अ गोरिल्ला इन द गेस्ट हाउस। एक मिस्टर चंदन कुमार हैं जिन्होंने, हमारे एक सब्सक्राइबर है यूट्यूब के, जिन्होंने कम से कम तो 5000 ज्यादा हो गया, करीब 50 बार उन्होंने बोला सर ये आप स्टोरी कर दीजिए। तो वी आर स्टार्टेड डूइंग दिस अ गोरिल्ला इन द गेस्ट रूम, ठीक है, गोरिल्ला गेस्ट हाउस, ठीक है। तो नाउ अभी क्या नाम है इसका, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए आप लोग क्लास 12 के बच्चे, अगर आपको ये पूरी स्टोरी करनी है, ये बहुत बड़ी स्टोरी है तो हम लोग एक बार में तो कर नहीं पाएंगे। कल हम लोग ने ऑर्गेनाइजिंग का भी अपलोड किया है, तो आई एम ट्राइंग टू डू एज मच वीडियोस एज पॉसिबल फॉर यू पीपल, क्योंकि कोविड का टाइम है, आई नो दैट। और मेरे को लगता है बहुत जन बोले सर आपका वीडियो देख के हम पढ़ रहे हैं, इसी के लिए मैं ये कर रहा हूँ, एवरी डे आई ट्राई एंड पोस्ट अ वीडियो, लेकिन आप लोगों को सब्सक्राइब करते रहना पड़ेगा, मेरे को कमेंट करते रहना पड़ेगा, मेरे को बताते रहना पड़ेगा कि क्या करना है, ओके। गोरिल्ला इन द गेस्ट हाउस अपन स्टार्ट करते हैं, इट्स अ वेरी बिग चैप्टर, तो हो सकता है 4, 5, 6, 7 पार्ट इसके बने, ओके। वी आर गोइंग टू मेक इट लाइक 15 मिनट्स का अपन इसको ब्रेक देकर फिर अपन इसको स्टार्ट करेंगे। सो अ गोरिल्ला इन द गेस्ट रूम को करने से पहले हम लोग को इनके राइटर के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी स्टोरी जो है ना वो राइटर के काम के ऊपर रिवॉल्व करती है। मिस्टर जेरल्ड ड्यूरल इनके राइटर है और आपको उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, अगर आप उनके बारे में जान जाएंगे तो ये स्टोरी आपको समझने में आसान हो जाएगा। Now the question is, who is Gerald Durrell? He was a British pioneering naturalist, conservationist, author, founder of a unique zoo in Jersey and a TV presenter. माने वो actually एक तो TV presenter थे, ठीक है? वो zoo उन्होंने अपने घर में एक zoo खोला हुआ था, ठीक है? He was known for his pioneering work in preserving endangered animal species. माने उनको नेचर से बहुत प्यार था, एनिमल से बहुत प्यार था, तो उनका एक तो मिशन था कि जो भी एंडेंजर्ड एनिमल है ना, एंडेंजर्ड स्पीसीज है, माने जो उनकी स्पीसी खत्म होने वाली है, वो उनको पालते थे, उनको उनके ऊपर काम करते थे, शोध करते थे। बॉर्न इन ब्रिटिश इंडिया, हिज फॉर्मेटिव इयर्स वर स्पेंट ऑन द ग्रीक आइलैंड ऑफ कर्फ्यू, वेयर ही केम अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ क्रीचर्स। दिस इनकल्केटेड इन हिम अ पैशन फॉर एनिमल्स एंड ही बिकेम अ चैंपियन फॉर द कॉज ऑफ एंडेंजर्ड एंड निग्लेक्टेड स्पीसीज। याद रखना, ये आप अपने आंसर में लिख लेना कि ही वॉज द पर्सन हु टुक द कॉज ऑफ एंडेंजर्ड एंड निग्लेक्टेड स्पीसीज। समझ में आ रहा है आपको? On March 26, 1959, Durrell opened a zoo on Jersey Island. उन्होंने एक zoo बनाया, ठीक है? The number of zoo animals increased with his expeditions. His main aim was to bear rare animals in captivity and then return them to their wild habitat. माने जो rare animals हैं, वो उनको breed करते थे, उनको बड़ा करते थे और फिर उनको वापस से जंगल में छोड़ देते थे। ये उनका काम है था, ठीक है? उन्होंने एक Jersey Wildlife Preservation Trust खोला था, ठीक है, जिसको हम लोग नाउ उसको ड्यूरल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट भी बोलते हैं। एंड 1971 एन इंटरनेशनल ब्रांच वाज सेट अप एट फिलाडेल्फिया यूएसए। ही बिगन अ ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑल द पीपल हु लव टू बी, जो भी जितने भी लोग थे जिनको माने ये सब चीज अच्छी लगती थी, नेचर अच्छा लगते थे, एंडेंजर्ड स्पीसीज काम करते थे, उनके लिए उन्होंने एक तो जू खोला हुआ था, ओके। तो ये जो स्टोरी है अ गोरिल्ला इन द गेस्ट रूम, एक्चुअली गोरिल्ला जो है वो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, मैं आपको बता दूं ये स्पीसी जो है एंडेंजर्ड है और हमको उनके कॉज के लिए कुछ करना चाहिए। तो जेरल्ड ड्यूरल एक्चुअली इसी इंटेंशन से उन्होंने उनको उसको घर में लेकर आए थे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले आप स्टोरी स्टार्ट हो रही है कि मिस्टर ड्यूरल के पास एक लेटर आया है, लेटर में लिखा हुआ है, डियर मिस्टर ड्यूरल, कुड यू प्लीज हैव अ रीसस मंकी, ही इज ग्रोइंग सो बिग एंड जंपिंग ऑन अस फ्रॉम ट्रीज एंड डूइंग डैमेज एंड कॉजिंग सो मच ट्रबल, ऑलरेडी माय मदर हैज बीन इन बेड विद द डॉक्टर 3 times। रीसस मंकी, मैं आपको बता दूं, रीसस मंकी जो अपने इंडिया में नॉर्मल मंकीज हैं, जो नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं काफी, उनका जो वो हम लोग के ह्यूमन से काफी क्या नाम बहुत क्लोज है, इसी के हम लोग का वहीं से वो रीसस आरएच प्लस आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला भी चीज आया हुआ है। तो वी नो रीसस मंकी, जो हमारे नॉर्मल नॉर्थ इंडिया में यूपी में पाए जाते हैं वो है। तो किसी एक इंसान ने वो मंकी पाला होगा, उसके बाद वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहा, वो मंकी उसको बहुत परेशान कर रहा है, इसी के लिए वो बोल रही है आप मेरा मंकी संभाल लो। किसको बोल रही है? डॉक्टर जेरल्ड ड्यूरल को। इससे हमको ये मालूम पड़ जाता है कि जो डॉक्टर हैं मिस्टर जो जेरल्ड ड्यूरल है वो ये सब काम में स्पेशलाइज करते हैं, वो एनिमल्स का टेक केयर करते हैं। नाउ द स्टोरी स्टार्ट। व्हाट इट वाज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकंड ईयर दैट आई डिसाइडेड एट द जू नॉट विंग बीइंग वेल एस्टैब्लिश्ड बट सीज टू बी अ मियर शो प्लेस ऑफ एनिमल्स and start to contribute something towards the conservation of wildlife. तो मिस्टर जेरल्ड ड्यूरल सोच रहे हैं कि जो जू है वो क्या है, वो एक शोपीस है एनिमल्स का, लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है।
तो वो चाहते थे अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल करना, इसी के लिए वो चाहते थे कि अब जू वाला कंसेप्ट हटा के मुझे यहाँ पर वो एनिमल्स रखने हैं जो एक्चुअल में एंडेंजर्ड है, खाली शोपीस की तरह जू खोलने से कोई फायदा नहीं है। I felt that it would be essentially gradual to weed out all the common animals in the collection and to replace them with rare and threatened species. This is very important. वो बोल रहे थे कि मेरे zoo में जितने भी common जानवर हैं जो कि available हैं हर जगह, उनको मैं हटा दूंगा और आस्ते-आस्ते rare and threatened species जो है उनको रखूंगा। That is species which are threatened with extinction in the wild state. ऐसी species जिनका existence के ऊपर में question mark लगा हुआ है, ऐसी species जो कि बहुत ही जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। द लिस्ट ऑफ दिस वॉज लॉन्ग एंड मेलनकली। और जब लिस्ट बनाने बैठे ना, मैंने आप बिलीव नहीं कर सकते हो कितने सारे एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स अभी हमारे यहां हैं जो कि एक्सटेंशन की कगार पे, एज पे खड़े हुए हैं। बोल रहा है द लिस्ट ऑफ दिस वॉज लॉन्ग एंड मेलनकली, इनफैक्ट विदाउट रेप्टाइल्स इट फिल्ड 3 fat volumes। माने 3 मोटी किताबें भर गई खाली उनका नाम लिखने के लिए जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है। हमने ह्यूमंस ने क्या कर दिया है, हम लोगों ने कितने सारे स्पीसीज को इरेडिकेट कर दिया है वर्ल्ड से, हमारा नंबर भी आएगा, घबराओ मत। ठीक है, आई वॉज वंडरिंग विच ऑफ दिस मैसिव लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज वुड स्टार्ट विद व्हेन द डिसीजन वॉज टेकन आउट ऑफ माई हैंड्स एंड एनिमल डीलर टेलीफोन मी एंड आस्क्ड मी इफ आई वॉन्टेड अ बेबी गोरिल्ला। तो बोला मैं डिसाइड ही कर रहा था कि कौन से स्पीसीज स्टार्ट करूं, उतनी देर में क्या हुआ, एक जो क्या नाम है जो एनिमल डीलर है उसने फोन किया और मुझे बोला क्या आप बेबी गोरिल्ला रखना चाहेंगे। वाओ, सामने से ऑफर आया, सामने से फोन आया, क्या बेबी गोरिल्ला रखना चाहोगे। गोरिल्लास हैव नेवर बीन एक्सेप्शनल न्यूमरस एज अ स्पीसी। तुमको ये मालूम होगा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चिंपैंजी एंड गोरिल्लास, यू नो बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, चिंपैंजी अलग होते हैं, गोरिल्लास अलग होते हैं। गोरिल्लास अभी एंडेंजर्ड है, नॉट दैट चिंपैंजी बहुत ज्यादा है, बट गोरिल्लास आर वेरी रेयर नाउ। ठीक है, and with the state that Africa was in politically speaking at that moment it seemed to me that they might well become extinct within the next 20 years। ab unke calculation ke hisab se Africa mein sabse zyada gorillas paaye jate hain par unka political condition acha nahi hai, us desh ki ministry achhi nahi hai, wo desh ka economy acha nahi hai, unko laga ki agle 20 saal ke andar mein gorillas khatam ho sakte hain। newly emerging governments are generally far too busy proving themselves to the world for the first few years to worry much about the fate of the wildlife of their country। And history has proved time and again how rapidly a species can be exterminated, even numerous one। बोला हम लोगों ने देखा है अगर किसी स्पीसी का टाइम हो जाता है तो बहुत जल्दी एक्सटर्मिनेटेड हो जाते हैं। तो गोरिल्लास भी एज पे खड़े हुए हैं और उनको ये काम करना ही था, तो उनको सामने से एक ऑफर आया क्या क्या गोरिल्ला लेना चाहेंगे। सो द गोरिल्ला हैड बीन हाई ऑन माई लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज। इनको भी बहुत मन था, इनको पता था गोरिल्ला एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो इनको भी चाहिए था, सामने से फोन भी आ गया। बट आई वॉज नॉट कन्विंस्ड हाउएवर that the dealer in question was really expecting a gorilla। अब ये बोल रहे हैं कि मैं श्योर नहीं था कि जो डीलर मेरे को फोन किया है वो एक्चुअली गोरिल्ला के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे डीलर लोग भी ना वो लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि चिंपैंजी कौन है और गोरिल्ला कौन है। इन माई एक्सपीरियंस द एवरेज एनिमल डीलर कैन विद डिफिकल्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ बर्ड, अ रेप्टाइल एंड अ मैमल, बट दिस इज अबाउट एक्सटेंड टू हिज जियोलॉजिकल नॉलेज। बोल रहे हैं जो नॉर्मल एनिमल डीलर होते हैं ना जो उठा उठा के लेकर जाते हैं, वो खाली उनको पता है ये बर्ड है, ये एक रेप्टाइल है, ये एक मैमल है, उनका भी क्या स्पीसी है, क्या उनका जीनस है और कैसे वो डिवीजन होते हैं वो भी उनको नहीं पता। माने उनकी नॉलेज बहुत ही मिनिमल होती है, तो उनको नहीं पता डिफरेंसेस, खाली उनको चोरी करना, उठाना, इधर से उधर करना बस। बट दिस इज अबाउट द एक्सटेंट ऑफ हिज जियोलॉजी। आई फेल्ट दैट इट वाज मोर लाइक देन लाइकली दैट अ बेबी गोरिल्ला वुड टर्न आउट टू बी अ बेबी चिंपैंजी। बोला मुझे ऐसा लग रहा था श्योर शॉट कि वो बेबी गोरिल्ला बोल तो रहा है पर वो बेबी चिंपैंजी ही निकलेगा। However, I could not afford to turn the offer down in case it really was a baby gorilla. लेकिन बोला कि मैं इस तरह से तो मना करूंगा नहीं, हो सकता है निकल ही जाए by chance, ठीक है? So उन्होंने फोन उठाया, पूछा, how much you asking for it? I inquired, कितना लेगा? And took a firm grip on the telephone. देखो पैसे ही कभी सभी को होती है, ठीक है? खाली यूट्यूबर्स को नहीं होती, सभी को होती है। तो बोला कितना रुपया लेगा? 1200 pounds, उसने बोला सामने से कि गोरिल्ला का मैं लूंगा 1200 pounds। अगर हम लोग उसको रुपी में कन्वर्ट करें तो 1,25,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए, ठीक है? तो 1,25,000 रुपये के करीब करीब उसने बोला मुझे वो गोरिल्ला मैं आपको दूंगा। जैसे उसने बोला 1,25,000, उसके दिमाग में उसका बैंकर का चेहरा याद आ गया, अरे यार पैसे कहाँ हैं। अ ब्रीफ विजन ऑफ माई बैंक मैनेजर्स फेस फ्लोटेड बिफोर माई आईज एंड आई रिप्रेस्ड इट स्टर्नली। ऑल राइट, आई सेड इन व्हाट आई होप वाज अ कॉन्फिडेंट वॉइस। बोला 1,25,000, ऑल राइट ठीक है, देखते हैं, ठीक है। आई विल मीट इट
at London airport and if it is in good condition I will have it. बोला हम लोग London airport में मिलेंगे और अगर उसका condition अच्छा होगा तो मैं उसको ले लूँगा. I put down the telephone to find Jackie regarding me with a basilisk eye. Jackie उसका wife का नाम है और basilisk eye का phrase का मतलब होता है एक reptile होता है, legendary reptile who can kill with a single glance. ठीक है, तो generally wife लोग जो होती है ना बोलो husband को अगर ऐसे देख लेना टेढ़ी निगाह से तो husbands मर जाते हैं. मैं तो ये सामने से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मेरी वाइफ भी यहाँ सामने बैठी है तो वो भी मेरे को बेसिलिक आइज से देख रही है ऐसे जब मैं ये बात बोल रहा हूँ. ठीक है, तो एक तो लेजेंडरी क्या नाम है वो है क्या नाम है रेप्टाइल है जो कि आंखों से मार सकता है. ठीक है, तो जैसे ही उसने 125,000 की बात बोली उसकी जो वाइफ है वो भी उसको बेसिलिक आइज से देख रही है. ठीक है, आई सेड अ बीबी गोरिल्ला, आई सेड नॉन शैंटली आई सेड अ बेबी गोरिल्ला. अरे बेबी गोरिल्ला की बात हो रही है. उसकी वाइफ बोल रही है ओह लवली, सेड मदर एंथुसियास्टिकली, दे आर सच डियर लिटिल थिंग्स. लेकिन उसकी मम्मी बोल रही है बहुत प्यारा, अगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, जैकी वाज मोर प्रैक्टिकल, जैकी सीधे काम पर है, बोला हाउ मच, कितना रुपया, सी आस्क्ड. अब वो बोल रहा है मिस्टर ड्यूरल, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट इज वेरी रीजनेबल. बोला नहीं पैसे नहीं, रीजनेबल ही. आई सेड यू नो हाउ रेयर गोरिल्लास आर एंड यू नो दैट आवर पॉलिसी नाउ इज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द रेयर थिंग्स, आई फील दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. तो बोला गोरिल्ला इट्स ओके यार, ठीक है, दाम मेरे ख्याल से तो रीजनेबल ही है. उसकी वाइफ बोल रही हाउ मच, जैकी इंटरप्टेड ब्रूटली, कितना रुपया मांग रहा है. 1200 pounds आई रिप्लाई एंड वेटेड फॉर द स्टॉर्म. 1200 बोला और तूफान के लिए वेट कर रहा है. 1200 pounds यू मस्ट बी मैड, यू हैव गॉट एन ओवरड्राफ्ट द साइज ऑफ द नेशनल डेट. बोला ऑलरेडी तुम्हारा इतना कर्जा है कि पूरा दुनिया का देश का कर्जा तुम्हारे ऊपर ही है. ठीक है, एंड यू गो एंड से यू विल पे 1200 pounds फॉर अ गोरिल्ला, और तुम 1200 रुपए गोरे के लिए खर्च करना चाहते हो. यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड, वेयर डू यू थिंक वी आर गोइंग टू फाइंड 1200 pounds फॉर हेवन्स सेक, एंड व्हाट डू यू थिंक द बैंक मैनेजर इज गोइंग टू से व्हेन ही हियर्स, यू मस्ट बी स्टार्क स्टेयरिंग मैड. मतलब तुम पूरे पागल हो गए हो, 1200 पाउंड हमारे पास कहीं से भी नहीं आएगा. अच्छा, उन लोग के जो बैंक मैनेजर्स होते हैं ना, वो लोग क्रेडिट उनका चलता रहता है, लेन देन चलती रहती है, तो मैनेजर भी गुस्सा हो जाएगा कि तुम इतना क्रेडिट क्यों ले रहे हो. अब मिस्टर ड्यूरल बोल रहे ओके, ही सेइंग कि क्या नाम है, आई सेड गेट द मनी फ्रॉम अदर सोर्सेस. बोला मैं कुछ अदर सोर्स से मनी लूंगा. आई सेड ऑस्ट्रियली डोंट यू रियलाइज दैट दिस आइलैंड इज इन्फेस्टेड विद रिच पीपल हु डू नथिंग ऑल डे लॉन्ग बट रिवॉल्व फ्रॉम वन कॉकटेल पार्टी टू अनदर लाइक अ सेट ऑफ जापानीज वॉल्जिंग माइस. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दो दो फ्रेज यूज किया हुआ है यहाँ पे. वो बोल रहा है कि तुम तो पता है हमारे आइलैंड में इतने सारे अमीर लोग हैं, इन्फेस्टेड. इन्फेस्टेड इज एक्चुअली अ रॉन्ग वर्ड. इन्फेस्टेड का मतलब होता है किसी को डिजीज होना या किसी में बैक्टीरिया या किसी के अंदर कुछ कीड़े पड़ जाना. तो बोल रहा है यहाँ पर जो हमारे रिच पीपल है ना, वो कीड़े की तरह यहाँ घूम रहे आइलैंड में. माने दे आर बोलते ना आइडल रिच, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हैं, वो शायद कुछ डोनेट कर सके. ठीक है, बोल रहा है दे आर लाइक अ जापानीज वॉल्जिंग माइस. नाउ जापानीज वॉल्जिंग माइस जो है वो एक स्पीसी है माइस का, जो सीधे सीधे चलता है या फिर एक ही जगह गोल गोल घूमता है वर्लपूल की तरह. ठीक है, तो वो उनसे कंपेयर कर रहा है कि ये जो रिच पीपल हैं ये कुछ काम नहीं करते, ये खाली एक पार्टी से दूसरे पार्टी जा रहे हैं और बहुत सारे हैं, अगर हम इनसे बोले तो शायद ये हमको गोरिल्ला स्पॉन्सर कर दे. इट इज अबाउट टाइम दे मेड अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनिमल कंजर्वेशन, आई शैल आस्क देम टू कंट्रीब्यूट द मनी. अब वो बोल रहे शायद इनसे मांग ले तो हो जाए. ठीक है, तो उसकी वाइफ बोल रही है दैट्स एन इवन स्टूपिडर आइडिया. माने वो और भी स्टूपिड आइडिया है देन सेइंग यू विल हैव द गोरिल्ला इन द फर्स्ट प्लेस. मतलब गोरिल्ला लेना एक स्टूपिड आइडिया है, अब किसी से पैसा मांगना उससे भी बड़ा स्टूपिड आइडिया है. सर जैकी इग्नोरिंग माय वाइस पेसिमिस्ट एंड एंटी सोशल आउटलुक, आई पिक्ड अप द टेलीफोन एंड आस्क्ड फॉर अ नंबर. हेलो होप, जेरी हियर. अब वो अपने सेक्रेटरी को फोन कर रहा है. हेलो, सेड होप रिजाइनली, व्हाट कैन आई डू फॉर यू. तो बोल रहे क्या करूं मैं आपको, व्हाई आर यू कॉलिंग मी. होप आई वांट यू टू गिव मी अ लिस्ट ऑफ ऑल द रिचेस्ट पीपल ऑन द आइलैंड. वो बोल रही है होप को कि तुम मेरे को इस आइलैंड के जितने अमीर लोग हैं उनका फोन नंबर दो. ऑल द रिचेस्ट पीपल, said Hope in bewilderment. Now what are you up to? बोला क्यों तुमको अमीर लोगों का नंबर क्यों चाहिए, टेक डेटा लगेगा. Well, I have just been offered a baby gorilla at a very reasonable price. ठीक है, 1200 pounds. Only I don't happen to have a 1200 pounds at the moment. बोला मुझे एक गोरिल्ला मिल रहा है और मेरे हिसाब से बहुत ही reasonable price है. Problem ये है कि मेरे पास 1200 pounds नहीं है. The rest of my sentence was drowned by the Hope's rich laughter.
उसने इतना बोला ही था कि वहां सामने से फोन से बहुत जोर जोर का हंसी आने लगा। बोला सो यू हैव टू गेट द वेल्थी ऑफ द आइलैंड टू बाय इट फॉर यू। तो तुम जाता है कि अमीर लोग तुमको उसका पैसा दें और तुम उससे खरीदना चाहते हो। सी सेड चॉटलिंग, चॉटलिंग का मतलब होता है लाफ इन अ नॉइजी ग्लीफुल वे। अमीर लोग तुमको स्पॉन्सर करेंगे। जेरी रियली यू आर अ डॉटी, डॉटी माने मैड, तुम पूरा पागल हो गया। I don't see what's wrong with the idea. I protested. They should be glad to contribute towards buying such a rare creature. After all, if breeding colonies of things like gorillas aren't established in captivity soon, they won't be left any at all. Surely these people realize this. बोला क्यों, तुमको क्यों लग रहा funny idea? अगर हम लोग gorillas को अभी नहीं बचाएंगे तो थोड़े दिन के बाद दुनिया में रह ही नहीं जाएंगे। एक अच्छा idea है, हम लोग try करेंगे, हो सकता है कोई sponsor कर दे। I am afraid they don't set hope. I realize it and you realize it, but I am afraid the average person either doesn't or couldn't care less. बोला ये तुम सोच रहे हो, मैं सोच रहा हूं, लेकिन नॉर्मल आदमी लोगों को फर्क नहीं पड़ता है गोरिल्ला सर्वाइव करे या नहीं करे, ये तो फैक्ट बात है, ठीक है। आई सपोज यू आर राइट, आई सेड ग्लूमली, एनीवे आई थिंक इट्स वर्थ अ ट्राई, डोंट यू? बोला हाँ, मुझे पता है तुम सही बोल रहे हो, बट वी विल गिव इट अ ट्राई। इट्स वर्थ अ ट्राई, बट आई वुडंट पिन टू मच फेथ ऑन दिस जेनरोसिटी। इफ आई वेर यू, सेड हाउ, एनीवे गिव मी हाफ एन आवर एंड रिंग यू बैक। बोला मुझे तो नहीं लगता कोई तुमको कुछ करेगा, लेकिन फिर भी चलो तुमने मुझे फोन किया है, मैं तुमको नंबर देती हूँ, आधी घंटा में कर लेना। Half an hour later, Hope dictated a list of about 50 people over the telephone while I wrote them down feverishly. Then I looked up a telephone number, took a deep breath and started. कम से कम 50 लोग का नंबर लिया, एक-एक करके फोन लगाना चालू कर दिया. Good morning, Miss McGill, Gerald Durrell from the zoo here. I am sorry to worry you, ma'am, but we have just been offered a baby gorilla at a very reasonable price, £1,200. Well, yes, but it's not that expensive for a gorilla. Well, I was wondering if you care to purchase a small portion of it, say a leg or something. तो वो सबको फोन करके बोल रहा है, मैडम हम लोग एक गोरिल्ला लाने चाह रहे हैं, आप उसका हैंड स्पॉन्सर करेंगे, उसका एक लेग स्पॉन्सर करेंगे, माने would you like to be a part of the sponsors? अगर आप पूरा 1200 नहीं दे सकते तो आप उसके कुछ स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी के लिए स्पॉन्सर कर दीजिए। सामने वाले को थोड़ा सा अच्छा लग गया, that's immensely kind, बोली yes, मैं कुछ कर दूंगी, थैंक यू वेरी मच indeed. By lunch time, I had collected 200 pounds. उसको 200 pound ऐसे ही, किसी ने 50, किसी ने 20, किसी ने 10 दे दे के उसको दे दिया। अभी उसको कितना बाकी है? Another 1,000 to go and the gorilla was mine. It was at this point that I discovered the next person on the list was Major Domo. उतना देर में next person का नाम था Major Domo. I had never met him and I had no idea how he would react to the suggestion that he might bite a bit of gorilla. To my immense relief, the suggestion seemed to amuse him for he chuckled. तो जब उसने मिस्टर मोजो डोमो को, मेजर डोमो को फोन लगाया, उनको अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा हल्का सा हंसी, अच्छा नाइस आइडिया। तो बोला हाउ मच इज इट, ही आस्क्ड, उसने पूछा, 1200 पाउंड्स आई सेड, एंड हाउ मच हैव यू कलेक्टेड ऑलरेडी, 200 पाउंड, मतलब कितने का है, 1200 का, पर तुम्हारे पास कितना रुपया है, बोल रहा है 200 रुपया। वेल सेड मेजर डोमो, यू हैड बेटर कम अलोंग दिस आफ्टरनून एंड आई विल फाइंड यू द बैलेंस। तो मेजर डोमो क्या बोले, अच्छा एक काम करो, मेरे घर आओ और बाकी का 1000 रुपया मैं तुमको दे दूंगा। तो यहीं पर आज हम एंड करेंगे, क्योंकि अब गोरिल्ला घर आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कैसे गोरिल्ला का मिस्टर ड्यूरल के संग इंट्रोडक्शन हुआ, कैसे वो उसको घर लेकर आए और उसके सारे इवेंट्स के बारे में। तो गोरिल्ला आ रहा है नेक्स्ट, अगर आप मेरे को बोलोगे तो मैं जल्दी से इसका पार्ट 2 भी अपलोड करूंगा, लेकिन बोलना और सब्सक्राइब करना भूलना मत। बाय।